और इल्जाम उसका जैसे हर बार लगता है कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया। वो कहां से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से ही बिलोंग करता हो। वो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं हमने इतने बंदे मार देते दहशतगर्द मार दे वहां में कवे मारे थे उन्होंने। This video has been made to show the truth in which we have given our full research and time so that with complete facts and proof the youth of the country get knowledge and the real truth can be known. हेलो भाई जी। तो इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं उमर दराज गोंदल जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं, एंकर पर्सन भी हैं, पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी काम करते हैं। इस ये भाई साहब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया से हैं और ये अब यूट्यूब पर भी आ गए हैं अपने झूठ को और फैलाने के लिए। डेट है 26/11 का एक बहुत मशहूर वाकया इंडिया में। क्या वाकया पेश आया जी? मुंबई अटैक हुए और आप जानते हैं कि उनका एक ताजमहल होटल था उसके ऊपर वो हुआ और इल्जाम उसका जैसे हर बार लगता है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा। आपके मीडिया पर्सन है, हम नाम तो नहीं ले सकते, लेकिन उन्होंने बोला उनके इलाके में जाके इंटरव्यू किया जी, ये इसी इलाके के, तो इसका मतलब हमने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि अजमल साहब पाकिस्तान से। मेरे ख्याल से हम डिफेंसिव हुए, हमें होना नहीं चाहिए। जो अभिनंदन था कितने टाइम आपने ना दिया तो हम ये आपने अभिनंदन भी वापस कर दिया। मसला सिर्फ ये होता है कि लीडरशिप स्टैंड कितना ले सकती है, लीडरशिप पॉपुलर कितनी है। और फिर एक और बात, मैं आपको अच्छी बात बताऊँ, आपके घर में मामला ठीक नहीं होंगे तो आपकी बाहर इज्जत नहीं होगी। ये कहने को तो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं लेकिन इन्होंने एक बार भी ये स्वीकार नहीं किया कि 26/11 इन्हीं के यहाँ से हुआ था। ये है वहाँ के जर्नलिस्ट। और आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि आप कुलभूषण यादव क्या एक भी वीडियो या फोटो दिखा दो जिसमें आम आदमी को मार रहे हैं, जैसे कसाब ने और उसके साथियों ने मारा था जो कि पाकिस्तान से थे। और इसका भी सबूत है, पाकिस्तान ने ये मान लिया है कि कसाब पाकिस्तानी था, उसके साथी पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान से गए थे, जिसकी प्लानिंग पाकिस्तान में हुई थी। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए बोलते हुए कि को मानना नहीं चाहिए था कि वो पाकिस्तान। ये इंडिया का स्टैंड से आरोप नहीं है, ऐसा हुआ था और इंडिया ने सारा प्रूफ दिया था कि 26/11 आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हुआ है। हमने पूरा प्रूफ दिया है और आपको मानना पड़ा कि अजमल कसाब था जो 26/11 के वाकये में पकड़ा गया, ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करता था? वो बेसिकली हो सकता है उनकी तरफ से बिलोंग करता हो। 1400 साल से सबसे ज्यादा तेज फैलने वाला दीन जो है ना वो हमारा इस्लाम ही है, तो उसके मुखालिफ सारी इसी तरह उठेंगे ना। हिंदू मजहब को आए हुए तकरीबन 200-300-400 साल हुए। बड़े जाहिल हो भाई, बड़े जाहिल हो, बोल भी कौन रहा है? कभी घर पर अपनी दो पुस्तों के बारे में पूछना, वो भी हिंदू निकलेगा। और रही बात हिंदू मजहब 200-300 साल से आया हुआ है, तो एक बार ना कभी हिंदू इतिहास के बारे में पढ़ना। और जिस देश से इस्लाम का जन्म हुआ सऊदी अरेबिया में, वहाँ 8000 साल पुराना मंदिर मिला है, पता भी है इस चीज का? अब इसको ही बोल दो झूठ है। एक बार हिंदू धर्म के बारे में पढ़ना। और तुम ये जो कह रहे हो कि इस्लाम तेजी से फैल रहा है क्योंकि हम किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं करवाते भाई, बात तो सही है। वो सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं हमने इतने बंदे मार दे थे दहशतगर्द मार दे वहाँ में कवे मारे थे उन्होंने, वो फौज बंदे नहीं मारे थे तो हमारे लेकिन आप ये मानते हैं, लेकिन ये मानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था? हाँ नहीं, कोई नहीं हुआ था, ये भी दरख्तों के उसको ऑपरेट कर रहे थे, उनको कहा कि आप हिंदुस्तान को पता चले उससे पहले, मीडिया वहां पहुंचे उससे पहले पाकिस्तान की फौज को फोन करके बता दो कि आज रात हमने ये किया है, ये लाशें वहां पड़ी होगी, तुम्हें समय हो तो जाकर के ले आओ। सुबह 11 बजे से उनको फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर आने से डरते थे, आ नहीं रहे थे। जो उनका अभी नंदन पकड़ा था उनको फिर चाय पिला के भेजा था, हम चलाए एक जार के बदले आपको चाय पिला सकते हैं, ठीक है, चाय पिला के भेजा था। लेकिन हमारे ही जो बड़े बड़े सियासतदान थे, जो हमारे उस टाइम के मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोला था कि अगर हम अभिनंदन को ना छोड़ते तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती थी। नहीं, कोई मुश्किल नहीं, पाकिस्तानी फौज दरेर फौज है। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहे हैं। कौए मार रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई है, ये दूसरा मदरसा छाप है जी, इसे कुछ नहीं पता ऐसा हुआ है। कसाब का पता इंडिया को इन्होंने दिया, इन्होंने इंडिया को पता बताया कि अजमल कसाब जो है उन्होंने जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और यहाँ पे भी शो हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।
आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो सो प्लीज डू लाइक माय वीडियो शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द एसजीएस ब्रांड चैनल। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक मुझे मोटिवेट करता है आगे और वीडियोस बनाने के लिए। सो मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।